हेलो गाइस, मैं सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ देश के 10 वैज्ञानिकों और उनके आविष्कार। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिविन रमन से लेकर सलीम अली तक सभी भारतीय वैज्ञानिकों और उनकी खोजों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, गणित, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। इनमें से कई वैज्ञानिकों ने तो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों तक अपने योगदान से नाम कमाया है। आइए जानें ऐसे कुछ खास भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जिनका योगदान कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रसिद्ध शिक्षाविद और रासायनिक विज्ञान प्रफुल्ल चंद्र राय को भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल रासायनिक एवं फार्मास्यूटिकल के संस्थापक के रूप में से जाना जाता है। रासायनिक और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इनका इस तरह का योगदान काफी अहम रहा है। सलीम अली 1896 से 1987 तक। सलीम अली अपने समय के महान प्रतिवादी रहे। पक्षी विज्ञान को विकसित करने में इनका अहम योगदान रहा है। इनके इसी योगदान के लिए जीवन में इन्हें ब्रिडेम ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी विज्ञान को लेकर सलीम ने कई तरह की खोज भी की है। श्रीनिवास रामानुजन 1887 से 1990 तक। श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक कला के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विषय प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। चंद्रशेखर वेंकटरमन 1878 से 1970 तक। चंद्रशेखर वेंकटरमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर बेहतरीन कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 ईस्वी। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्पंदत थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। इन्होंने मुट्ठी भारत वैज्ञानिकों की मदद से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान की शुरुआत की। जगदीश चंद बासु, डॉक्टर जगदीश चंद बासु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्हें भौतिकी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहर ज्ञान था। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के प्रकार पर काम किया। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 से 1974 तक। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय गणितज्ञ और भौतिकी शास्त्री थे। भौतिकी शास्त्री में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसन और फर्मियान। इनमें से बोसन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931। अब्दुल फकीर जैनुल्लाह अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित रहे राष्ट्रपति हैं। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात हैं। इन्हें भारतीय मिसाइलों और परमाणु हथियार कार्यक्रम संचालित करने के लिए भी जाना जाता है। हरगोविंद खुराना 1922 से 2011। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हें बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 1996 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था 1986 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। श्री राम शंकर अभय शंकर 1930 से 2012 तक। श्री राम शंकर अभय शंकर बीजगणित ज्योतिर्मय में उनके योगदान के लिए विख्यात भारतीय गणितज्ञ थे। थैंक यू फ्रेंड।